तो देखो यार, आज की वीडियो एक वीडियो ने इट्स पैराडॉक्स। वो क्या है कि कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और वैसे ही हर खूबसूरत चीज़ खतरनाक नहीं होती। मगर यहाँ पे गौर करने वाला वर्ड है हर। कुछ खूबसूरत चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं, एंड टुडे स्टोरी इज ऑल अबाउट डैट खतरनाक चीज़। एक्चुअली डैट खतरनाक ब्यूटीफुल थिंग्स। तो असल बात यह है कि कुछ चीज़ों की खूबसूरती ही उनका खतरनाक होना होता है। अगर वो खतरनाक ना होते तो वो खूबसूरत ना होते। पैराडॉक्स। दिस इज अ व्यू ब्रो, वहां से वो आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। तो यार आज हमारे कैंप का लास्ट डे था, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे द वर्ल्ड डेंजरस बट ब्यूटीफुल जगह को एक्सप्लोर करने, और वी हैव सच अ लिमिटेड टाइम, सो बिहाइंड मी दैट प्लेस। तो यार आज तीसरा दिन है हमारे एडवेंचर का, और हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत खतरा, बहुत लोग डूब के मर चुके हैं, बट हम आगे जाएंगे अगर जाने दिया तो। बिहाइंड मी द खूनी आबशार। तो अभी हम आपको उधर लेके चलते हैं और सारा व्यू दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ पर कितना मजा है। और मेरे साथ एज यूजुअल मेरी पूरी टीम है, और मैं इनका तारुफ दोबारा करवाता हूँ। दिस इज कलवले, हे कमांडो, और वो हमारी। तो अभी हम सारे उधर जा रहे हैं, और गाइस आर यू रेडी? यस यस, चलो चले। तो यार हम नीचे आ चुके हैं। बिहाइंड मी द वर्ल्ड बेस्ट व्यू, जो कि आपको बहुत मजा आएगा। क्यों भाई यार, आओ। तो यार यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स बना रहे थे दोस्तों की, आते जो व्लॉग प्लस पिक्चर्स। तो यार आपने खूबसूरती तो देख ली होगी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये खतरनाक क्यों थी। क्योंकि वहां पे जाने से पहले ही हमें पुलिस वालों ने बता दिया था कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डूबते हैं। आपको पता है लोग क्यों डूबते हैं ऐसी आबशारों में, ऐसे वाटरफॉल्स में? लेट मी क्लियर वन थिंग। जब पानी ऊपर से गिर रहा होता है, पानी एक ऐसे वेव के साथ जाता है, लाइक ऐसे। अब जो इंसान उस वेव के अंदर फंस जाएगा वो एक सर्कल के अंदर आ जाएगा, और एज अ ह्यूमन हम कितना देर पानी के अंदर रह सकते हैं सबको पता है। दैट्स अ थिंग, क्या हम अंदर जाते हैं पानी का प्रेशर हमें लेके एक सर्कल में फंसा देते हैं, वहां से निकल ही नहीं पाते। तो डैट्स द असल डेंजर, जिससे बचने के लिए उन्होंने वो रोप लगाई हुई थी कि हम उससे उस तरफ ना जा सकें। फिर भी हम जहाँ तक कोशिश की वहां तक हम जरूर गए थे। तो यार जहां पर हम इस आबशार में नहा चुके, आगे जाना बैन किया हुआ था, मगर हम फिर भी इतना नहाते नहा लिया। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं आगे स्विमिंग करने, क्योंकि पीछे पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मेरे कैमरे की उस तरफ अब्दुल समद और कमांडो खड़ा है, उसे मिलवाता हूँ। मजा आया बहुत ज्यादा कमांडो। दिस इज अ व्यू ब्रो, वहां से वो आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। अपने दोस्तों का व्लॉग, अपने दोस्तों की सीरियस नहीं पड़ती है कि आप ऐसे पानी में बैठे हो और वो आपके दिखा भी नहीं पा रहे। तो यार इतने प्यारे व्यूज के अंदर ऐसे भी कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पे ना व्यू बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ मसले हैं, ठीक है। यहाँ तो इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, और इस गहराई की वजह से ना हर साल काफी जानलेवा हमले होते हैं। इसलिए जो यहाँ पे आए एहतियात के लिए आए, ठीक है, अपना सामान लेकर आए जो मतलब के रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होता है अगर आना दिया तो। क्यों भाई समझ जी, बात सही है। ठीक कह रहे हैं भाई, यहाँ पे बहुत खतरा है आगे, ठीक है, इसलिए हम आगे नहीं जा रहे। तो यहीं पे हम फिलहाल मजे कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि वी आर टीम प्रेजेंट। तो यार ये वाला व्यू रह गया था, हम आपको दिखाने आए हैं। बिहाइंड मी, चेक इट आउट। कब तक घर बैठे रहोगे, कब तक इतनी खूबसूरत चीजों को मिस करोगे? तो बी ट्रैकलेस और आओ और घूमो, बहुत प्यारी जगह है। सो एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से, अगर तुम्हें कभी भी किसी खूबसूरत चीज की खतरनाकियत को चेक करना है, इफ यू ट्राई के हाउ मच डेंजर इट इज, तो उसमें डूबो। वो क्या है कि बाहर खड़े होकर आप समुंदर की गहराई का अंदाजा नहीं कर सकते। जो जस्ट गो एंड इनसाइड जाओ, अंदर जाओ, जंप करो।
देन यू फाइंड। सो घर से निकलो और सैर के लिए आओ, अदरवाइज तुम्हारी जिंदगी के पैराडॉक्स कभी सॉल्व नहीं होंगे। और उस दिन को यादगार बनाने के लिए हम इधर उधर बादलों की तरह वेंडर कर रहे हैं। हम चुप के निकले हुए हैं, किसी बात किसी को नहीं मालूम कि हम जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा किसी को पता ना लगे, क्योंकि अगर पता लग गया तो फिर आपको ही पता लग जाएगा मौसम होता क्या। उसका भी व्लॉग बनाएंगे, हम आपको दिखाते हैं ये मौसम कितना प्यारा है यार। अगर तुम्हें गर्मियों में इधर आना है ना तो जरूर आना। सिस्टम हर चीज है और रेस्टोरेंट भी है सजीकोट, आज हम गए हुए थे। तो यार अब आप लोगों का सवाल हुआ कि मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी बाय सेइंग के इट्स नॉट अ वीडियो इट्स पैराडॉक्स, तो वेयर इज पैराडॉक्स? क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ फन किया, एंजॉय किया और बहुत घूमे, मगर जब हमने अपना ये सफर एंड किया तो वो एंड दिस सफर इन मस्जिद और मस्जिद के साथ क्या था, खुद देख लें कि दिस रियल लाइफ इज नॉट अ लाइफ। ये भी एक पैराडॉक्स है, जो जिंदगी तुम इधर गुजार रहे हो उसका हिसाब उधर जाके देना है। सो बी केयरफुल यार, वी आर इन मस्जिद और बिहाइंड मी खातुन, बहुत दुखनी चीज है। ये कवर है किसी की बाहर कहता को थोड़ा थोड़ा लग रहा होता था, और बारिश हो रही है, फसलें गुल आया हुआ कबर में, मतलब कि अच्छा मौसम आया हुआ है। मगर मोहतरमा इस दुनिया में नहीं रहने वाला है, इन्हें मेरा जरूर व्यू चेक करो, मतलब दुनिया इधर ही रह जानी है और आखिरत इज अ गेम चेंजर। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया फरमाए। बाय।